बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सरकार खरीदती है, एक उदाहरण आपके सामने कागज के माध्यम से आपको दिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा स्मार्टफोन खरीदा गया था 2018 में, इसमें 33,914 स्मार्टफोन खरीदे गए थे और जिसके एवज में कुल भुगतान 31,04,14,842 हुआ था। इस हिसाब से 9,153 रुपया प्रति मोबाइल काम होता है। जो कागज आपको दिया गया है उसमें एक कागज पीछे लगा होगा, उस समय कितना दाम था और कौन सा मोबाइल खरीदा गया था, उसका मार्केट में कितना दाम था, उस हिसाब से मार्केट में उसका दाम 7,000 रुपया से भी कम था। तो अंत में लगा हुआ पानासोनिक इसका प्राइस 6,499 है, मतलब टैक्स वगैरह लेकर भी 7,000 से कम इसका प्रति मोबाइल प्राइस पड़ता है, जबकि सरकार खरीद रही है उसको 9,000 से भी थोड़ा ज्यादा में। इसका टेंडर हुआ और फिर जीईएम पोर्टल है सरकारी खरीद के लिए या पोर्टल है, उसके माध्यम से बिड हुआ, सिलेक्शन हुआ और फिर उसकी खरीदगी में टोटल राशि जो 31 करोड़ रुपया हम बता रहे हैं उसका भुगतान हुआ, या भी इसमें कागज है। कुल मिला जुलाकर के आप देख सकते हैं कि सरकार का जो कागज है उसी के अनुसार लगभग 6,78,28,000 का ज्यादा भुगतान हुआ। जो रेट था उस समय उस रेट पर अगर सरकार खरीदती, जबकि बल्क में अगर खरीदगी करनी हो तो कंपनी से सीधे बात की जाए, जहां 33,000-34,000 मोबाइल सेट की खरीदगी हो रही है, सीधे अगर कंपनी से बात की जाती तो और भी सस्ता हो सकता था, नेगोशिएशन हो सकता था, लेकिन कोई बात करने की बात तो दूर रही। इसमें बाजार मूल्य से 2,000 से भी ज्यादा एक मोबाइल पर भुगतान किया गया और लगभग 6-7 करोड़ रुपया इस काम में सरकार ने ज्यादा पैसा दिया। स्वाभाविक रूप से यह पैसा कंपनी के पास पूरा पूरा नहीं गया होगा, कुछ लोगों की जेब में यह पैसा गया होगा। ये देखिए, अभी ये जानकारी हमको मिली जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किसी ने जानकारी ली थी, तो ये जानकारी अभी अभी कुछ दिन पहले, एक आध हफ्ते पहले मिली, तो मुझे लगा कि ये मुद्दा लोगों के सामने लाना चाहिए कि मोबाइल को चुनाव का इससे कोई चुनाव तो आदमी चुनाव पार्टियां हारती रहती हैं जीतती रहती हैं, लेकिन विपक्ष के जैसे हम लोग हैं विपक्ष में हैं तो आज विपक्ष में आवाज़ उठाना भी जरूरी है। एक ये घटना है 2011 में ये खरीद हुई समाज कल्याण विभाग में, करीब 7-8 करोड़ का घोटाला हुआ। अभी किसी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किसी ने जानकारी निकाली, अभी हम लोगों को पता चला, तो हम लोगों को लगा कि एक बड़ी चीज़ है जिसमें, क्योंकि जिस जीरो टॉलरेंस के बाद करप्शन क्रिमिनल क्राइम और तो निश्चित है। देखिए, विभाग मुखिया सरकार के वो बिहार में मुख्यमंत्री वो हैं, उनके सरकार में घोटाला होता है साथ उनकी दामन तो लगे गए। इन नेता का मतलब अगर ये है कि राष्ट्रीय या प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश स्तर के नेता, तो प्रदेश स्तर के नेता मुजफ्फरपुर में हमारे दल के गए हैं, मुजफ्फरपुर में हमारे हमारी पार्टी के पदाधिकारी कई पदाधिकारी वो लोग भी गए हैं, वहाँ मिले हैं, बच्चों से मिले हैं। 40 मौतें बहुत दुखदायी है, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए इस मामले में, लेकिन देश के अध्यक्ष प्रदेश के पदाधिकारी और जिला के जो नेता हैं वो गए हैं अस्पताल, बात कर रहे हैं हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इस मामले में परसों ट्वीट भी किया था जब जिस दिन लाठीचार्ज पहली बार हुई थी, क्योंकि हम तमाम लोग अभी बाहर थे, पर्व त्यौहार रहा, कल आज ही हम तमाम लोग आए, हम लोग कल उनसे मिलने भी जाएंगे, कोशिश रहेगी कि जो लोग धरना दे रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं उनके इंतजार के लिए उनके साथ हम खड़े हैं, और जहां तक संघर्ष में साथ देने का होगा। कि हम अपराध पर भी बात, अपराध पर तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अपराध में बार बार, आपने चुनाव से पहले भी देखा होगा कि हम बार बार ये कह रहे थे कि ये उस जंगल राज से महाजंगल राज हो गया है,
शिक्षा के सवाल पर हम लगातार आंदोलनरत रहे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विशेष तौर से तो उसने लगातार शिक्षा के सवाल पर सड़क पर उतरे, माननीय पूर्ण कुशवाहा पर लाठीचार्ज हुए। शिक्षा के सवाल पर हम फिर सड़क अपनी योजना बना रहे हैं। 19 तारीख को 19 जून को हमारी बैठक भी है जिसमें एक अगले रणनीति तय करेंगे। आरजेडी का आंतरिक सवाल है, वो तेज प्रताप कहाँ है, तेजस्वी कहाँ, अमीषा जी ने क्यों नहीं काटा। कल छात्र संघ का चुनाव करा रहे थे सर, पिताजी का जन्मदिन था और वो अपने आवास पर छात्र संघ का चुनाव, वहाँ मारपीट भी हो गया। ये तो अच्छी बात है कि पिताजी के जन्मदिन के अवसर पे उन्होंने वही बता सकते हैं कि वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अगर किसी नेता की बात की आप पूछेंगे तो मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहाँ जाते हैं, किस क्या करते हैं, इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही ज्यादा बेहतर। वो दिख नहीं रहे हैं सियासी तौर पे आप देखें तो, वो कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, ये इसका जवाब आप राष्ट्रीय जनता दल के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।